असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी पर क्षेत्र के विधायक एवं पशुपालन डेयरी विकास खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार की हस्ते भव्य रावण दहन सम्पन्न हुआ। सावनेर कलमेश्वर युवा कांग्रेस पिछले कई वर्षों से नगर परिषद मैदान पर भव्य रावण दहन का आयोजन करती आ रही है। मंत्री सुनील केदार, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पवन जायसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकांत पांडे, डॉक्टर भगत, सावनेर व्यापारी संघ के अध्यक्ष विनोद जैन, प्रोफेसर साहेब राव विरखरे, सावनेर नगर पालिका के भूतपूर्व नगर उपाध्यक्ष गोपाल घटे सहित शहर के गणमान्य व्यक्तियों आदि की उपस्थिति में असत्य पर सत्य की जीत के पर्व पर भव्य रावण दहन कर मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक एवं राज्य मंत्री सुनील केदार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज 2 वर्ष के अंतराल के बाद किसी सामूहिक आयोजन में शिरकत करने की तथा अपार जन समुदाय का आशीर्वाद प्राप्त करने की खुशी मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण दुनिया थमसी गई थी। अब धीरे धीरे सही सब सामान्य होते जा रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह कोरोना महामारी जिस प्रकार आज बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया जा रहा है, उसी प्रकार से इस भयावह कोरोना महामारी का भी अंत हो। ऐसे ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मेरा जीवन गरीबों के आशीर्वाद का ऋणी है। मैं आपने मुझ पर किए अटूट विश्वास के लिए प्रतिबद्ध हूँ। हम सभी वर्तमान में एक बड़ी महामारी से उभर रहे हैं। हमें अभी भी बड़ी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। अगले 1-1.5 साल से आपको क्षेत्र को आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अनेक विभिन्न योजनाएं तैयार की जा रही है। मंत्री इस नाते मेरा सावनेर कलमेश्वर विधानसभा क्षेत्र सुजलाम सुफलाम तथा मेरे युवा साथियों का रोजगार, किसान भाइयों की भारी बारिश के चलते हुई हानि का उचित मुआवजा, क्षेत्र का शैक्षणिक और आर्थिक विकास आदि का खाका तैयार है और शीघ्र ही ये कार्य पूरे करने का संकल्प इस अवसर पर व्यक्त किया गया। भव्य रावण दहन में जहां नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी, वही कार्यक्रम का आयोजन युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश खंगारी, व्यापारी संघ के सचिव मनोज बसवार, किशोर गुहिरकर, पार्षद सुनील साफिकर, नीलेश पटे, दीपक बसवार, शफीक सैयद, सावनेर तालुका मराठी पत्रकार संघ अध्यक्ष तेज सिंह सावजी, बंडू देवटे, दीपक कटारे मुख्य रूप से उपस्थित थे, जबकि अश्विन कारोकर, चंदू कामदर, श्रीजय देशमुख, सोनू राव साहेब, घनश्याम तुर्की, सचिन मोहतकार, मनीष बारस्कर, अभय पगारे, स्वप्निल महाजन, महेश दहीहांडी, इरफान शेख, हफीज शाह, जगदीश बनकर, अजय पटेल आदि ने आयोजन की सफलता के लिए कड़ी मेहनत ली। तो वही इस भव्य आयोजन में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने हेतु थानेदार मारुति मोयक के मार्गदर्शन में कड़ी पुलिस सुरक्षा के साथ ही नगर परिषद के अग्निशमन विभाग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सावनेर आदि के कर्मचारी अधिकारियों की उपस्थिति रही। मंत्री म्हणून राज्यात जिल्ह्यामध्ये प्रचार केला आणि कधी नव्हते ते नागपूर जिल्हा परिषद एक हाती सत्ता त्या ठिकाणी तुम्ही निवडून दिले, हे तुमचेच त्या ठिकाणी आभार आहे। किती त्या ठिकाणी शब्दावर आहो आणि का त्या ठिकाणी त्याच्या कसे आभार व्यक्त करावं मला स्वतःला त्या ठिकाणी समजत नाही। आता 1-8 दिवसागोदर झालेली असलेली पोटनिवडणूक असेल, त्या पोटनिवडणुकीत सुद्धाही तुम्ही उभा केलेल्या सुनील केदारच्या शब्दावर जिल्ह्यातल्या कानाकापल्यातल्या लोकांनी विश्वास ठेवला आणि असं मत दिलं की पूर्ण महाराष्ट्र त्या ठिकाणी गवगवा करायला लागलेला, दिल्लीपर्यंत लोक त्या ठिकाणी आपले ते नाव घ्यायला लागले। अभिजित वंजारीची निवडणूक घ्या, त्यामध्ये सुद्धाही तुम्ही उभा केलेला सुनील केदारनं आपलं कर्तव्य पार पाडलं आणि चांगली विचारधारा ठिकाणी आपण लोकापुढे मांडू ही तो संघ बंधून टाकलो। आणि बंधून आज मी आपल्याला एवढं सांगणार बंधूनो कि मी म्हटलं ना की तुम्ही लोकांनी माझ्या आयुष्यामध्ये हा सुखाचा दिवस आलेला आहे, सोनेर दिवस आलेला आहे। तुम्ही उभा केला सुनील केदार आज राजकारण, आज महाराष्ट्राच्या जे राज्य पातळीवर पटलेला आहे त्याने राजकीय पटला चमकून आलेला आहे। BCN न्यूज के लिए सावनेर से संवाददाता की रिपोर्ट।